क्या आप इस दिवाली पर इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हो? निवेश के साथ साथ इनकम भी चाहते हो? तो आइए वाल के हैप्पी होम, इसके साथ ही अन्य सुविधाओं के बारे में जानने के लिए देखिए एनबीसीएन न्यूज पर खास मुलाकात अमोल वालके के साथ। नमस्कार, बीसी न्यूज की खास मुलाकात में मैं क्षितिजा देशमुख आप सभी का स्वागत करती हूँ। हर बार हमारे स्टूडियो में हम ऐसे शख्सियत से आपको रूबरू करवाते हैं जिन्होंने अपने समाज के लिए कुछ अच्छा कार्य किया है, और आज हमारे साथ वालके हैप्पी होम्स के अमोल वालके जी हैं। उनसे हम उनके कार्य के बारे में और वालके हैप्पी होम्स की जर्नी के बारे में जानेंगे। तो हमारा बहुत बहुत स्वागत है आज आपका हमारे स्टूडियो में सर। बहुत बहुत शुक्रिया। और आज हम आप जानना चाहते हैं कि वालके हैप्पी होम्स ये कब स्थापित हुआ था और इसकी जर्नी क्या थी, इस सब से सबके बारे में हम हमारे दर्शकों को रूबरू करवाना चाहते हैं। वैसे तो वालके हैप्पी होम जो है ये नाम ही काफी है नागपुर वासियों के लिए, क्योंकि हम सबको पता है कि आपकी सेवा और जो सुविधा आप देते हैं इससे हर कोई वाकिफ है। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि वालके हैप्पी होम ये क्या है? देखिए, वालके हैप्पी होम्स तो वैसे ये 2006 में हमने इसकी शुरुआत की है। नागपुर शहर में मैं पढ़ाई के लिए सन 2000 में आया था। पढ़ाई के साथ साथ फिर जब आप अकेले रहते हो और आपको बोलने वाले कोई होते नहीं है तो आप काफ़ी व्यवसाय करते हो जिसमें आप काफ़ी सक्सेस होते हो, कभी फेल होते हो। तो मेरा लाइफ हमेशा अप्स एंड डाउन से भरा हुआ रहा है, लेकिन मुझे जैसे आप कहते हैं ना कि सही आपको धंधा मिल जाता है, तो 2006 में रियल इस्टेट का ज्ञात हुआ एंड रियल इस्टेट में हमने ये 2006 में हैप्पी होम्स की शुरुआत की। और अभी हैप्पी होम्स को पूरे 18 साल मुझे इस जर्नी में कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हमने अभी तक 150 प्रोजेक्ट सक्सेसफुली किए हैं। हमारे पास में 5000 प्लस कस्टमर पूरे भारतवर्ष से है। हमने अभी तक 4 टाउनशिप प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं, जिसमें बुट्टी बोरी है, वर्धा रोड है, नागपुर शहर में फ्लैट स्कीम की हुई, और लगभग 1287 एकड़ जमीन हमने ये पूरे अंतराल में हैप्पी होम्स बैनर्स के अंतर्गत बेची हुई। बिल्कुल, जिस तरह से आपने अभी इतने प्रोजेक्ट बताए, तो अप एंड डाउन जो है आपको बिजनेस में वो तो आना ही है, तो ये अप एंड डाउन के चलते आपने जो जो अचीवमेंट्स जो है हासिल की है अब तक, तो इस बारे में क्या बताओगे? देखिए, आप जब भी कोई व्यवसाय करते हैं तो उस व्यवसाय में आपको अप्स एंड डाउन्स आना तय है। मेरे भी करियर में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आए, क्योंकि एक बिजनेस वो होता है जो आपको आपके पेरेंट्स के तरफ से मिलता है, एक व्यवसाय वो होता है जो आप अपना खुद इस्टेब्लिश करते हैं, जिसके लिए आपके पास फंड भी नहीं होते थे। व्हेन आई स्टार्टेड माई करियर इन रियल इस्टेट, तो मैंने भी किसी के प्लॉट बेचे हैं, और वो प्लॉट बेच के जो कमीशन मिला है उस कमीशन को लेके हैप्पी होम ये कंपनी धीरे धीरे इस्टेब्लिश हुआ है। तो अप्स एंड डाउन्स तो आएंगे, लेकिन अप्स एंड डाउन्स को पार करके यदि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को 15 साल रन कर लेते हैं, जैसे कोई एक बच्चा होता है जिसे मैच्योर्ड होने में या बड़ा होने में 18 साल उम्र के लगते हैं, और 18 साल होने के बाद उसे इलेक्शन में वोटिंग करने का जैसा चांस मिलता है, वैसे ही किसी ऑर्गेनाइजेशन को यदि 15 साल सक्सेसफुली हो जाते हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन अपने आगे मूवमेंट्स के लिए सक्सेसफुली रन होने के लिए ये सिद्ध हो जाती है। बिल्कुल, हैप्पी होम ने ये पड़ाव जो है 15 साल का ये सक्सेसफुली पार कर लिया है। इन कार्यों को देखते हुए महाराष्ट्र गवर्नमेंट की ओर से हमारे जो मुख्यमंत्री है, जो पहले मुख्यमंत्री थे, अभी उप मुख्यमंत्री है श्री देवेंद्र जी फडणवीस, इनके द्वारा 2016 में उद्योग भूषण पुरस्कार से हमें सम्मानित किया गया है। फिर 2018 में फिर से माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा हमें सामाजिक कार्य के लिए सम्मानित किया गया, जिसमें उद्योग तो था लेकिन दिव्यांग जो है, आज मैं भी खुद एक दिव्यांग हूं, तो 108 दिव्यांगों को रोजगार दिलाने के लिए भी हमारे कंपनी को माननीय श्री देवेंद्र जी फडणवीस के द्वारा हमें सम्मानित किया गया। बिल्कुल, इसके अलावा पिछले साल 2022 में
बेस्ट प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर के लिए स्ट्रॉबेरी रिसोर्ट का नाम डिक्लेयर किया हमें, वो उसमें सम्मानित किया गया, जिसमें भारतवर्ष के जो जाने माने बिल्डर्स थे और जो बिल्डर हीरानंदानी साहब है उनके द्वारा एंड माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस के द्वारा हमें सम्मानित किया गया। इसके अलावा विदर्भ रत्न अवार्ड 3 बार हमें मिले हैं, ऐसे काफी अकाउंट्स हमारे अकाउंट्स में काफी अवार्ड हमें प्राप्त हुए हैं। बिल्कुल, कई सारे अवार्ड से आप नवाजे गए हो, लेकिन आप जिस तरह से मतलब कार्य करते हो प्रॉपर्टी के क्षेत्र में, आप जो है फिजिकली डिसेबल हो, तो ये जो प्रॉपर्टी है या रियल इस्टेट का है तो यहाँ हर टाइम हमें फील्ड पर देना पड़ता है, तो ये किस तरह से पॉसिबल हुआ है और ये जो सक्सेस हासिल हुआ है क्या बताओगे? देखिए, दिव्यांगपन जो होता है, हैंडीकैपनेस, ये तो मैं जब 4th क्लास में था तभी मेरे दिमाग से निकल गया, क्योंकि हर किसी के लाइफ में एक मोटिवेशनल पॉइंट होता है, टर्निंग पॉइंट होता है, जहां आप अपनी कमजोरी को आपकी स्ट्रांगनेस में बदल देते हैं, यू नो। तो जैसे ही मैं मतलब 4th क्लास में था एंड मेरा मतलब ये स्टोरी बहुत लंबा है लेकिन मैं आपको जरूर शेयर करूंगा शॉर्ट में, कि जैसे 4th क्लास में था एंड मेरा स्कूल का बस मिस हो गया, बस मिस होने के कारण मैं स्कूल नहीं जा पाया। तो मेरे फादर जब ड्यूटी से आए उन्होंने पूछा, बेटा तू स्कूल क्यों नहीं गया? तो आई एक्सप्लेन कि पापा मैं बस मिस हो गया था और मेरा जो फ्रेंड था उसको मैं कहा कि मुझे लेकर चल, तो ही सेट किया मतलब मैं डबल सीट इतने दूर साइकिल पे तेरे को लेके नहीं जा सकता। तो पता नहीं मेरे पापा को क्या हुआ, ही सेट कि चल मैं तेरे को साइकिल सिखाता हूँ, जबकि मेरा एक पैर पूरी तरह से नाकाम है, वो किसी भी तरह का उसमें सेंस नहीं है, ताकत नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन वो मेरे फादर मुझे उस समय में उस ग्राउंड पे लेके गए एंड पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन कंटिन्यूअस लगातार मुझे वो साइकिल सिखाते रहे और एक 5वां दिन ऐसा आया जिसमें मैं एक पैर से साइकिल चलाना सीख गया, पैडल मारना सीख गया। तब से मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं दिव्यांग हूँ या मैं हैंडीकैप हूँ, क्योंकि आपका दिव्यांगपन या आपका हैंडीकैपन ये आपके शरीर से नहीं तो आपके दिमाग से हो सकता है। बिल्कुल, रियल इस्टेट के क्षेत्र में इसमें कोई शंका नहीं है कि बहुत घूमना पड़ता है, खेत के ये कोने से वो कोने तक जाना पड़ता है, काफी चीजें देखनी पड़ती है, लेकिन आपको जिस चीजों में इंटरेस्ट है, जो चीजें आपको अच्छी लगती है, अगर आप वो कार्य उस क्षेत्र में कार्य करते हैं तो आप थकते नहीं है। और मुझे इस क्षेत्र में रुचि है इसीलिए हम रियल इस्टेट में वर्क करते हैं और हमारा नाम भी हैप्पी होम है, तो जहां खुशियां मिलती है उस क्षेत्र में आप काम करेंगे तो आप खुश रहेंगे और लाइफ में है क्या, ये आपको बात तो खुश रहना बहुत जरूरी। बिल्कुल, ये बात तो एकदम सही कही आपने, जहाँ चाह रहती है वहाँ राह हमेशा रहती है। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आप रियल इस्टेट से फार्म हाउस और रिसोर्ट के क्षेत्र में किस तरह से आए, मतलब क्यों ये डिसीजन लिया आपने? डिसीजन मतलब बेसिकली आई स्टार्टेड माई करियर विद द प्लॉट सेलिंग, फ्लैट सेलिंग, लेकिन जब कोरोना पीरियड आया एंड कोरोना पीरियड में मुझे जब लगा, देखा मैंने कि हजारों लाखों करोड़ों लोग अपने घर में कैद हो चुके हैं, अगर उनके पास उनका अपना खुद का एक रिसोर्ट होता, उनके पास कुछ अपनी खुद की एक ऐसी जमीन होती जिसमें वो अपना कुछ प्रोजेक्ट डेवलप कर सकते थे या वहां पर जाके रह सकते थे, लेकिन ऐसे हजारों लाखों करोड़ों लोगों के पास में ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है। और ऐसा प्रोजेक्ट करने से उनके लाइफ में क्या बदलाव आएगा, ये मुझे रियलाइज हुआ। और वैसे भी हम लोग हैप्पी होम है, हैप्पी रहना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, तो शायद घर तो आज हर किसी के पास में होता है, खुद का घर होता है या किराए का घर होता है, लेकिन हर व्यक्ति की लाइफ में इच्छा होती है कि मेरा भी खुद का अपना एक रिसोर्ट रहे, जहां मैं शहर से कुछ दूर जाकर निवांत में वहां पर अपने कुछ खुशियों के पल अपने परिवार के संग या अपने मित्रों यारों के संग बिताऊं। ये कंसेप्ट मुझे जब ध्यान में आया तो मुझे लगा कि हमने इसके बाद में ऐसे प्रोजेक्ट करने चाहिए जिसमें लोगों को खुशियां मिले और उन्हें रेगुलर इनकम भी आती रहे। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम सिर्फ रिसोर्ट नहीं बेचते, तो हमारे रिसोर्ट से हर महीने आपको इनकम भी आती है। यदि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदी करते हैं तो वो प्रॉपर्टी आपको इनकम नहीं देंगी, लेकिन आप वालकेस से यदि प्रॉपर्टी खरीदी करते हैं तो आपको हर महीने की इनकम तो होंगी ही होंगी, साथ में बिना प्रॉपर्टी बेचे
आपका लगाया हुआ पैसा कुछ सालों में आपको रिटर्न आ जाता है। इस तरह के कॉन्सेप्ट हम लोग लेके आए हुए जिसके कारण हम लोग इस रिसोर्ट में सक्सेसफुली वर्क कर रहे हैं। बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया कि आपका पैसा जो है आपको रिटर्न मिलता है प्रॉपर्टी लेने के बाद, तो ये क्या कॉन्सेप्ट है ये मैं पूछना चाहूंगी आपसे। देखिए, इसमें ऐसा है कि एक अगर अंडरस्टैंडिंग देखते हैं, नागपुर शहर को हम समझते हैं तो नागपुर शहर का ग्रोथ एंड नागपुर शहर का डेवलपमेंट, इन चीजों को अगर हम वेरीफाई करते हैं या टैली करते हैं तो हर 10 सालों में नागपुर जो है लगभग 2.5 किलोमीटर आगे बढ़ता है। आज अगर हम दक्षिण नागपुर की बात करें तो मैंने मेरा करियर 2006 में चालू किया था, आज बेसा पूरी तरह से भर के गोटाड पांजरी की तरफ हम आगे बढ़े हैं। अगर गोटाड पांजरी तक आगे बढ़े हैं तो आज से 10 साल बाद गोटाड पांजरी ज्यादा से ज्यादा वेड़ाहारी तक आगे बढ़ेगा। या फिर आप कोराडी रोड पर देखते हैं, या फिर आप नागपुर के पूरे पेरीफेरी एरिया में देखते हैं, या वर्धा रोड पर आप चिजवन देखते हैं, तो ओवरऑल चीजें अगर देखते हैं तो नागपुर शहर में अपने आप में इतनी जगह खाली है जिन जगहों पर आज लगभग और 25 लाख लोग रह सकते हैं। तो 25 लाख लोग रह सकते हैं, इसका मतलब है कि जो व्यक्ति 15 किलोमीटर के आगे जाकर अगर प्लॉट खरीदी करता है या फ्लैट खरीदी करता है, जैसे अभी दीपावली का त्यौहार आया हुआ है, काफी लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, सभी लोगों से मेरी नम्रता पूर्वक विनंती है कि 15 किलोमीटर के बाहर यदि आप बाहर जाके इन्वेस्टमेंट करते तो शायद आप जो सोच के पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका आपको रिजल्ट नहीं आएगा। अब आप पूछेंगे ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं। बिल्कुल, ये सवाल मेरा था ही कि कई बार ऐसा सुनाई आता है कि आपके द्वारा ये कहा जाता है कि नागपुर से 15 किलोमीटर के दूरी तक आप प्लॉट खरीदना या प्रॉपर्टी खरीदना, तो ऐसा क्यों? जी हाँ, मैं बिल्कुल खुली भरी सभा में कहता हूँ कि यदि आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो 15 किलोमीटर के अंदर करिए, 15 किलोमीटर के बाहर यदि आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो शायद आपको मुबदला नहीं मिलेगा। मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। बिल्कुल, देखिए नागपुर शहर में 497 स्लम है और इन स्लम के अंतर्गत लगभग अप्रोक्सीमेटली 44,000 प्लॉट जो है ये स्लम एरिया में है, 44,000 प्लॉट्स। अब ये जो 44,000 प्लॉट है ये 2014 एक्ट के अंतर्गत, गुंठेवारी एक्ट के अंतर्गत इनको रेगुलराइज किया जा रहा है। जब ये प्लॉट को रेगुलराइज किया जा रहा है तो ये प्लॉट पर रहने वाला जो व्यक्ति है उसको मेरे जैसा बिल्डर या कोई और बिल्डर ऑफर देता है कि भाई तेरा प्लॉट तू मुझे दे दे, मैं तेरे को एक फ्लैट देता हूँ, साथ में पैसे भी देता हूँ। अब अगर ऐसे पूरे 44,000 प्लॉट को अगर डेवलपमेंट होता है तो लगभग 2 लाख घर बनने की क्षमता आज नागपुर शहर में है, पहली बात। दूसरी बात, नागपुर शहर में मेट्रो जो ट्रेन है ये पूरी तरह पूरे शहर में फैल चुकी है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि जहां जहां से मेट्रो जा रही है उसके 200 मीटर राइट साइड, 200 मीटर लेफ्ट साइड 4 का FSI मिला हुआ है। 4 का FSI मिला है मतलब जहां अभी G+4 की बिल्डिंग बनती थी वहां अभी G+16 की बिल्डिंग बनेगी। जो पहले 1970-1980 में जो बिल्डिंगें बनी हुई है ये सारे मकान अभी रीडेवलपमेंट में आ रहे हैं। रीडेवलपमेंट में आने के कारण ये मकानों को गिराकर यहाँ पे 16-18 मंजिली की बिल्डिंगें बनाई जाएंगी। तो कम से कम अगर हम पूरा मेट्रो सिटी का अगर औरा देखते हैं तो लगभग लगभग 75,000 घर ये रीडेवलपमेंट से बनेंगे। जो मैंने आपको 44,000 प्लॉट कहे थे उन 44,000 प्लॉट पर कम से कम 2 लाख मकान बनेंगे। अब आप लोग जहां पर रहते हैं, आप भी जहां रहते हैं वहां से देखेंगे आप तो 5वें नंबर का प्लॉट या 10वें नंबर का प्लॉट आपके मोहल्ले में आपके एरिया में एक प्लॉट खाली पड़ा रहता है। बिल्कुल, जिसे आप रीसेल के लिए, रीसेल होता है उस प्लॉट का। तो ऐसे हजारों प्लॉट नागपुर शहर में, अगर ऐसे हजारों प्लॉट को भी देखते हैं तो मिनिमम 75,000 फ्लैट या 75,000 घर उन प्लॉट पर बनेंगे। अब इसके अलावा नागपुर शहर के पेरीफेरी एरिया में, सराउंडिंग एरिया में नागपुर शहर का जो भी पेरीफेरी एरिया है यहाँ पर लाखों प्लॉट आज खाली है। और ये जो लाखों प्लॉट खाली है इसमें अगर हम कम से कम 2 लाख घर भी पकड़ते हैं, कम से कम 2 लाख घर भी पकड़ते कुल मिलाकर
5.5 लाख घर आने वाले 8 से 10 साल में नागपुर शहर में बनेंगे, जिसमें स्लम के अंतर्गत जो प्लॉट है उसमें 2 लाख घर, जहां मेट्रो सिटी जहां से जा रही 75,000, वो जो नागपुर शहर में प्लॉट है रिसेल की उसमें 75,000 घर, और जो नागपुर का पेरिफेरी एरिया है उसमें 2 लाख घर। ऐसे कुल मिला के 5.5 लाख घर अगर नागपुर शहर में बनते हैं तो एक घर में 4 लोग रहते हैं, इसका मतलब 4.5 लाख के हिसाब से 22 लाख लोग नागपुर शहर में आएंगे। बिल्कुल। और अगर 22 लाख लोगों का कैलकुलेशन देखते हैं तो 2009 में नागपुर की जो जनसंख्या थी वो 24,37,000 थी, और आज 2023 में नागपुर की जो जनसंख्या है वो 30,47,000 है। ये मेरे फिगर्स नहीं है, ये गूगल से उठाए हुए गवर्नमेंट द्वारा पोस्ट किए गए, प्रमाणित किए गए हुए फिगर्स है। मतलब पिछले 14 सालों में सिर्फ 6.25 लाख लोगों का पॉपुलेशन बढ़ा है। अब पिछले 14 सालों में अगर 6.25 लाख लोगों का पॉपुलेशन बढ़ा है तो हमारे पास तो 5.5 लाख घर है जिसमें 20 लाख लोग रहेंगे, तो 20 लाख लोगों का पॉपुलेशन बढ़ने में कितना साल लग जाएंगे? बिल्कुल 2050। मतलब नागपुर शहर में ही आज रहने के लिए इतनी जगह है जहां बाहर में जाके कोई रहेगा ही नहीं। डिमांड वर्सेस सप्लाई का अगर हम कैलकुलेशन देखते हैं तो डिमांड कम है, सप्लाई बहुत ज्यादा है। तो अगर आप तो नागपुर शहर में इतने सारे लोग जगह है रहने के लिए, यदि कोई व्यक्ति 15 किलोमीटर या 20 किलोमीटर के दायरे में प्लॉट लेता है तो आज से 10 साल बाद उसका प्लॉट खरीदी कौन करेगा? कस्टमर कहां से आएगा? क्योंकि घर तो हर कोई नागपुर में बनाना चाह रहा है। सिटी में घर बन रहा है तो क्यों बाहर जाएगा? सिटी में जब घर बन रहा है तो बाहर क्यों बनाएगा? नेशनल इंटरनेशनल लेवल की बैंक्स, नेशनल लेवल की बैंक्स, क्रेडिट कोऑपरेटिव, सारी 95% 100% बैंक लोन देने के लिए रेडी है। आजकल कोई भी साहब 850-900 स्क्वायर फीट के फ्लैट में कोई नहीं रहना चाहता, हर किसी को 1600-1800 स्क्वायर फीट का फ्लैट चाहिए। और बैंक भी जब आप लोन दे रहे तो व्हाई द पीपल विल गो आउटसाइड? बिल्कुल। अच्छा, आपके सामने में कई एग्जांपल है जो टाउनशिप बाहर में बनी हुई है, कितने ओन मालक लोग कितने रहते हैं उसमें? सारे किराएदार रहते हैं, जो आज है कल नहीं है, कुछ मियान के वर्कर्स है यही लोग रहते हैं, तो सारी की सारी टाउनशिप खाली पड़ी है। मेरा मुझे किसी को मतलब मुझे सिर्फ अवेयरनेस कर रहा हूं मैं कि आपके पास में जब रिसेल करने का रिसेलर करने वाला परचेसर ही नहीं है तो आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसका रिटर्न आपको कहां से मिलेगा? क्योंकि रिटर्न आपको तभी मिलेगा जब वो प्लॉट बिकेगा, और प्लॉट का खरीददार कहां से आएगा? तो दिस इज द कॉन्सेप्ट जिसके कारण नागपुर शहर में ही इतनी जगह है जो आने वाले 12 से 15 साल तक, मतलब अगर आप 15 साल का इन्वेस्टमेंट करके सोच रहे हैं तो शायद आपकी प्लॉट की कीमतें तो बढ़ जाएंगी लेकिन आपका प्लॉट बिकेगा नहीं। और खरीदार जब आप बेचने जाएंगे तो खरीदार रहेगा नहीं, और अगर आपने वो प्लॉट आज 30 लाख का खरीदा है शायद ऐसा मौका आ सकता है कि कल आपको 25 लाख में बेचना पड़े 12 साल बाद भी। और ऐसे कई एग्जांपल मैंने मेरे करियर में देखे हैं, मैं फिगर्स को लेकर बात कर रहा हूं, ऐसे कई एग्जांपल्स देखे हैं कि आदमी इन्वेस्ट इस सोच के करता है कि 30 लाख रुपए इन्वेस्ट करूं 60 लाख मिलेंगे, लेकिन उसको 30 लाख का ग्राहक भी आज से 12 साल 15 साल बाद नहीं मिलता। तो इसीलिए मेरा सजेशन है कि इन्वेस्टमेंट ऐसा करिए जो आपको तुरंत इनकम दे, इन्वेस्टमेंट ऐसा करिए जो आपने ली हुई प्रॉपर्टी बिना बेचे आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपको फ्री आ जाए, रिटर्न आ जाए। बिल्कुल। आपने बात कही कि 15 किलोमीटर की दूरी पर ना ले, लेकिन आप भी सेलिंग करते हो तो आपके प्लॉट्स या आपके जो भी प्रॉपर्टी है वो 25 किलोमीटर तक भी है, तो फिर आप मतलब आज आप इंटरव्यू करने बैठे हैं तो आप हमारा भी स्टडी करके बैठे हैं। बिल्कुल। चलिए कोई नहीं, जी हाँ, हम भी हमारी जो प्रॉपर्टी है वो 20 किलोमीटर और 30 किलोमीटर के रेंज पे है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन हम लोग जो प्रोडक्ट बेचते हैं वो कॉन्सेप्ट के साथ बेचते हैं। हमारे जो प्रोजेक्ट होते हैं वो पूरी तरह सैंक्शन होते हैं, जिसमें बैंक फाइनेंस होता है, जिसमें आपकी तुरंत रजिस्ट्री हो जाती है, लेकिन ये चीजें तो आपकी दूसरी जगह भी होती है। हमारे पास खास क्या है? तो हमारे पास खासियत ये है कि हम एक 12 साल का कॉन्सेप्ट रन करते हैं जिसमें हमारे जो प्रोजेक्ट के साइजेस है वो 100 एकड़, 122 एकड़ ऐसे हमारे प्रोजेक्ट के साइजेस होते हैं, जिसमें हम खेती करते हैं।
मतलब आपने कई और से अगर प्लॉट लिया है तो उस प्लॉट को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन यदि आपने वालके से प्लॉट लिया है तो वालके का प्लॉट, आपने लिया हुआ प्लॉट को आप तुरंत ही इस्तेमाल करना चालू कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट में रिसोर्ट्स होते हैं जिसमें स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, मैरिज हॉल, लॉन, एडवेंचर जोन, गेम जोन, सारी फैसिलिटीज हम लोग, सैकड़ों फैसिलिटीज हम उसके अंदर में देते हैं। तो आपका इन्वेस्टमेंट आज ही आप इस्तेमाल करना चालू कर दिया, नंबर वन। दूसरा ये है, आपने मेरे से प्लॉट लिया, मैंने आपको प्लॉट दिया, आपकी आपकी रजिस्ट्री हो गई, आप फ्री हो गए, लेकिन ये जो प्लॉट आपने हमसे लिया हुआ है वो भी तो खाली पड़ा रहेगा। हम आपको अप्रोच करते हैं और उस प्लॉट पर हम खेती करते हैं। अब हम खेती किस चीज की करते हैं? हम खेती करते हैं मोहगनी की ट्री। मोहगनी ये एक औषधि युक्त प्लांट है। हम खेती करते हैं टीकूड सागवन की, क्योंकि वो प्लॉट का इस्तेमाल आपको है नहीं, तो क्यों ना वो प्लॉट को, प्लॉट से हम फायदा ले। तो ऐसे हमारे जो प्रोजेक्ट है यहाँ पर हम सागवन की खेती करते हैं, मोहगनी की खेती करते हैं, और जिसमें से 12 साल में ये जो जो प्लांट है ये पूरी तरह मैच्योर हो जाता है। आज अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं आपके साथ में, तो 5000 स्क्वायर फीट का प्लॉट में हम लोग 100 प्लांट लगाते हैं। 5000 स्क्वायर फीट के प्लॉट पे हम 100 प्लांट लगाते हैं। एक प्लांट का आज का मिनिमम वैल्यूएशन 1 लाख रुपए आका जा रहा है। ये मेरे अपने फिगर्स नहीं है, चाहे आप डीमार्ट को आप टैली कर लीजिए या आप गूगल टैली कर लीजिए, 1 लाख रुपए का एक अच्छे क्वालिटी का पेड़ सागवन का आज उसका वैल्यूएशन आ रहा है। तो 100 पेड़ यदि हम लगाते हैं 5000 स्क्वायर फीट के प्लॉट में, तो एक प्लॉट अगर 1 लाख रुपए का है प्लांट, तो 100 प्लांट कितने के हो गए? 1 करोड़ रुपए के। बिल्कुल, इसका मैच्योरिटी ग्रोथ है 12 साल का, तो 12 साल में 1 करोड़ रुपए ऑलमोस्ट खेती में से हो रहा है, जिसमें हमारा शेयरिंग, आपका शेयरिंग अगर हम देखते हैं तो 30-70 का हम रेशो करते हैं, जिसमें 70% जो है हमारे ग्राहक को मिलता है। तो आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ पैसा आप ही के प्लॉट से खेती करके आपको कैसा रिटर्न दिलाना है, ये सारी जवाबदारी हमारी होती है। बिल्कुल। अच्छा, ये प्रोजेक्ट के साइजेस भी हमारे ऐसे 10-15 एकड़ के नहीं होते, 100-100 एकड़ के होने के कारण ये सारी स्ट्रेंथ ताकत हम उस खेत में लगाते हैं, उस प्लॉट पर लगाते हैं, और आपको आपका पैसा बिना प्रॉपर्टी को बेचे दिलाते हैं। इसमें ग्राहक का कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि उसकी तो प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हो चुकी है, वैसा भी वो प्लॉट खाली पड़ा रहने वाला था, मैं उसमें खेती कर रहा हूँ, आप खेती कर रहे, आप भी आ रहे, देख रहे, एंजॉय कर रहे। हम प्लांट को लगाने से लेकर तो प्लांट को कटिंग करने तक सारी जवाबदारियां हमारी होती है, सारे पेपर वर्क हम करते हैं, आपको मुनाफा देते हैं। बहुत बढ़िया जो है आपका कंसेप्ट है, और यही कंसेप्ट हम हमारे दर्शकों तक पहुंचाना चाहते थे, और वो आज जो है हमने इस माध्यम से आप पहुंचाया है। मेरा अगला सवाल यह है आपसे कि फार्म हाउस भी आपका है, स्ट्रॉबेरी फार्म हाउस, वहाँ हमने सुना है कि बहुत ही किफायती रेंज में वहाँ सुविधाएं दी जाती है, जो कि आजकल हम देखते हैं यूथ पूल पार्टी, नाइट आउट्स के लिए देखते हैं, लेकिन वो नागपुर के पास नहीं रहता, लेकिन स्ट्रॉबेरी फार्म हाउस जो है नागपुर के बिल्कुल ही पास है, कुछ ही दूरी पर है, और वहाँ बहुत ही कम रेट में जो है सभी चीजें अवेलेबल आपने की है, तो इसके बारे में हमारी। देखिए, मैं फिर से आपको दोहराना चाहता हूँ एक बात को, कि मैं हैप्पी होम हूँ, हैप्पी रहना चाहता हूँ, हैप्पी रखना चाहता हूँ, खुशियों में रहना चाहता हूँ, खुश करना चाहता हूँ। इसीलिए हम लोग कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट लेके आते हैं जिसमें पब्लिक को या हमारे ग्राहकों को खुशी मिले। अभी स्ट्रॉबेरी रिसोर्ट की मैं बात करूँ तो हुड़केश्वर रोड से मात्र 15 किलोमीटर पे, मतलब 20-25 मिनट में आप हमारे प्रोजेक्ट में आ सकते हैं। वर्धा रोड से आप 25-30 मिनट में हमारे प्रोजेक्ट में आ सकते हैं। स्ट्रॉबेरी रिसोर्ट में हम मात्र 600 रुपया पर पर्सन, जी हाँ, 600 रुपीज पर पर्सन में लंच, ब्रेकफास्ट, लंच, हाई टी, पूल पार्टी करके हमारा ये पैकेज होता है हर संडे के लिए, जिसमें 600 रुपए में हम सारी खुशियां एक आदमी को हम मुहैया कराते हैं। मैं आपसे एक बार फिर पूछना चाहूंगी, 600 रुपए में पूल पार्टी भी है, खाना भी है, फुल एंजॉयमेंट है, या 1600 है? कुछ गलती तो नहीं हुई मैं? 1600 तो नहीं है, 600 ही है, जिसमें ब्रेकफास्ट है, लंच है, एंड हाई टी है, इसमें अलावा पूल पार्टी है, इसके अलावा वहां पे फन गेम्स है, डीजे जोन है, ये सारा हम 600 रुपए में एक पर्सन को कराते हैं।
बहुत बढ़िया सुविधा जो है आप दे रहे हैं कि 600 रुपए में, वो भी नागपुर से एकदम करीब। जो भी फार्म हाउस या रिसोर्ट का मजा लेना चाहते हैं, और वो भी ज्यादा दूर नहीं, नागपुर के बिल्कुल पास ही हुडकेश्वर से थोड़ा आगे जाने पर स्ट्रॉबेरी रिसोर्ट, स्ट्रॉबेरी रिसोर्ट, वहाँ पे हमें ये सारी सुविधाएं मिल रही। इसके साथ ही जो आपके और प्रोजेक्ट है वो जो नागपुर के आसपास है, उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए। तो बिल्कुल, मैं बिल्कुल स्ट्रॉबेरी रिसोर्ट में आप सभी को संडे के लिए इनवाइट करना चाहता हूँ। ऑनलाइन बुकिंग हमारे पास में अलावा, इसके अलावा सैटरडे नाइट का हमारे पास वीकेंड होम्स वीकेंड पार्टी भी हमारे पास होती है, जिसमें 1940 रुपए में हम लोग 2 जन को 1 नाइट स्टे, वेज नॉन वेज अनलिमिटेड फूड, डीजे पार्टी, ऐसा मात्र 1940 रुपए में रहना खाना पीना एंजॉयमेंट हम लोग मात्र 1940 में वीकेंड पार्टी के नाम से कराते हैं। तो आप सभी इसका लुत्फ उठा सकते हैं। और जो प्रोजेक्ट मैंने आपको बताया हमारा मोहगनी की ट्रीज या सागवन का ट्रीज, हमारे पास लाइव इसके प्रोडक्ट है, हमारी खेती लाइव चल रही है, आप इसको आके देख सकते हैं। हर आने वाले संडे को मैं आपको आपके परिवार के साथ और आपके फ्रेंड्स के साथ मेरे प्रोजेक्ट में इनवाइट करता हूँ। आइए खेत में खेत का खाना खिलाऊंगा, चुली वर्च जेवन चारिल, और आपको हम एंजॉय कराएंगे। आपको कंसेप्ट पटेगा तो आप आगे बढ़िए, अदरवाइज अच्छा रिलेशनशिप हमारा रहेगा। बिल्कुल, जैसे कि हम देख रहे हैं कि त्योहारों का सीजन है, और त्योहारों का सीजन खास ही रहता है, और उसमें दीपावली, दीपावली में बहुत से लोग शुभ कार्य करते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी की खरीदारी, तो आप क्या संदेश देना चाहोगे हमारे दर्शकों को? देखिए, प्रॉपर्टी तो खरीदी करना ही चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका प्रोडक्शन नहीं होता है, जिसका प्रोडक्शन नहीं होता है उसका वैल्यूएशन हमेशा बढ़ता है। लेकिन प्रॉपर्टी आपने कौन सी खरीदी करनी चाहिए, प्रॉपर्टी खरीदी करते समय में पेपर्स की जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर आपको जानकारी नहीं है तो लीगल लॉयर्स होते हैं, उनके माध्यम से आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। प्रॉपर्टी कहाँ खरीदी करनी है, किसके पास से खरीदी करनी है, जिसके पास से आप प्रॉपर्टी खरीदी कर रहे हैं उसकी सोच क्या है, ग्राहकों के प्रति उसका प्रोजेक्ट कितने साल का है, कितना समय वो उस प्रोजेक्ट में बना रहेगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि ऐसे बिल्डर के साथ में जाना चाहिए जो सालों ना साल आपके साथ में है, अदरवाइज बिल्डर प्रॉपर्टी बेच देता है और फिर उसका मेंटेनेंस होता नहीं, आज श्रब्स रहते हैं कल जंगल बन जाते हैं। और नागपुर शहर, अगर प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करना है तो नागपुर शहर से 15 किलोमीटर के अंदर में इन्वेस्टमेंट अच्छा रहेगा, या फिर 15 किलोमीटर के बाहर जाना है तो कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट में जाना पड़ेगा जैसे हमारा कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम आपको मंथली इनकम भी देते हैं, आपका बिना प्रॉपर्टी बेचे आपको आपका पैसा भी ऑलमोस्ट नियर बाय डबल के तौर पर आपको फ्री हो जाता है। उसके लिए आपको डिटेल प्लान समझने के लिए मिलना पड़ेगा। ये मेरी आपको सलाह है कि इन्वेस्टमेंट ऐसा कीजिए जिसमें आपका फायदा तो हो लेकिन बिना प्रॉपर्टी बेचे हो। आज हमने खास मुलाकात में जाना कि प्रॉपर्टी के बारे में, जो हमें बहुत ही अच्छी जानकारी जो है हैप्पी वाल्के हैप्पी होम्स के अमोल वाल्के जी ने दी है, जो हमें भविष्य के लिए निश्चित ही बहुत ही उपयोगपूर्ण है। और साथ ही साथ जिस तरह से नागपुर में पहली बार वाल्के हैप्पी होम लेकर आया है फार्म हाउस ऐसा जो कमा कर दे पैसा, ये इनका ऑफर है। ये ऑफर जो है दिवाली के मौके पर हम कुछ ना कुछ खरीदारी करते हैं, तो ये ऑफर भी हमें एक बार जानना चाहिए या इसका फायदा जो है नागपुर वासियों ने उठाना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। आज के खास मुलाकात में वक्त हो चला है यही रुकने का, आप देखते रहिए BCN न्यूज। नमस्कार। क्या आप इस दिवाली पर इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हो? निवेश के साथ साथ इनकम भी चाहते हो? तो आइए वाल्के हैप्पी होम, इसके साथ ही अन्य सुविधाओं के बारे में जानने के लिए देखिए इन BCN न्यूज पर खास मुलाकात अमोल वाल्के के साथ।